सहजना पुलिस ने लूट की कई घटनाओं में वांछित शातिर लुटेरे को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार अभियुक्तों के ऊपर 15,000 का पुरस्कार घोषित था। मुखबिर की सूचना पर थाना अध्यक्ष सहजनवा सत्यप्रकाश सिंह ने लूट के वांछित और 25,000 के इनामी अपराधी मोहम्मद सहजादे पुत्र अजीजुल हक निवासी तुर्कमानपुर थाना राजघाट को रेलवे क्रॉसिंग जूट मिल के पास से गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से पुलिस ने 1 12 बोर देसी कट्टा व 2 जिंदा कारतूस और लूट के 10,000 रुपया बरामद किए हैं। पुलिस लाइन सभागार में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ रोहित सिंह सहजवान ने बताया। एक और बची है तुम्हारी यार। थाना सहजनवा में 10 दिन पहले एक लूट की घटना हुई थी। उसमें 3 लोगों के नाम प्रकाश में आए थे। उसमें से एक अभियुक्त जो नीरज कुशवाहा है उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका था। इसके साथ ही उसमें 2 अन्य अभियुक्त थे जो फरार चल रहे थे। उनके ऊपर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा 15,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। उसी में जो मोहम्मद शहजादे हैं इनको गिरफ्तार किया गया है और लूट की घटना में जो पैसा इनसे 10,000 रुपये बरामद हुआ है और इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। अन्य अभियुक्त जो हैं वो भी फरार हैं, उनको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। कब की? ये 10 दिन पहले की घटना है, थाना सहजनवा की घटना है, जिसमें एक व्यापारी से एक व्यक्ति से जो बाइक से मोटरसाइकिल से जा रहा था उसके 1,40,000 रुपये लूट लिए गए थे।